हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो में मैं अभिनय दीक्षित आज आप सभी लोगों से इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये वीडियो आपके लिए ICAR, JRF, ASRB, नेट, इसके अलावा जो आपका असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और गेट एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है, इन सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप RS MS SB जूनियर इंजीनियर एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एग्रीकल्चर GK प्लेटफॉर्म से इसका कंप्लीट कोर्स ले सकते हो। हमारे कोर्स में आपको वीडियो क्लासेस, कंप्लीट नोट्स की ईबुक्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्वेश्चन बैंक, यूट्यूब क्लासेस, क्लास नोट्स सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा एज़ पर सिलेबस। अगर आपको ये कोर्स बाय करना है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर GK ऐप की लिंक मिल जाएगी और हमारे वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस कोर्स को बाय कर सकते हो। ऐप और वेबसाइट पे आपको एक डेमो क्लास भी मिल जाएगी, उस क्लास को आप देख सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक है आपका, द मिनिमम फेरो ग्रेड टू एश्योर सरफेस ड्रेनेज इज, सतही जल निकासी सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम कुंड ग्रेड है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा 0.05%। चलिए बात कर लेते हैं फरो के बारे में। फरो क्या होता है? फरो इज़ अ लॉन्ग नैरो इरिगेशन ट्रेंच मेड इन द ग्राउंड यूज्ड फॉर एन ऑप्टिमल सप्लाई ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टेम्पोरेरी स्पर्स आर आल्सो कॉल्ड, अस्थाई स्पर्स को क्या कहा जाता है? इसको बंड्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एमंग द क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल्स बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट क्राइटेरिया आइडेंटिफाई द कैनाल इन विच द नंबर ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स इज मैक्सिमम। इसका उत्तर आपका हो जाएगा कंटूर कैनाल, बेस्ड ऑन द अलाइनमेंट कैनाल आर क्लासिफाइड इंटू 3 कैटेगरीज। पहला आपका होता है रिज कैनाल, दूसरा आपका कंटूर कैनाल और तीसरा आपका होता है साइड स्लोप कैनाल। चलिए बात कर लेते हैं इनके करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। जो आपका पहला होता है रिज कैनाल, इसको वाटर सेट कैनाल भी बोलते हैं। इसका जो मेन कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, इसमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क रिक्वायर नहीं होता है। दूसरा आपका है कंटूर कैनाल, जिसको सिंगल बैंक कैनाल कहते हैं, इसमें जो है आपका मैक्सिमम क्रॉस ड्रेनेज वर्क रिक्वायर होता है। तीसरा आपका होता है साइड स्लोप कैनाल, इसमें आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क रिक्वायर नहीं होता है। तो ये इनका मेन फीचर है, मेन कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज़ द वेरिएशन इन ड्यूटी ऑफ वाटर फ्रॉम द हेड ऑफ मेन कैनाल M टू दैट इन द फील्ड F। मुख्य नहर M के शीर्ष से खेत F में पानी के कर्तव्य का क्या अंतर है? तो इसका जो उत्तर है वो आपका हो जाएगा, ड्यूटी ऑफ वाटर एट M इज ऑलवेज लेस देन द ड्यूटी ऑफ F। अगर बात की जाए ड्यूटी क्या होती है इसके बारे में, तो ड्यूटी इट इज़ द नंबर ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इरिगेटेड फॉर फुल ग्रोथ ऑफ अ क्रॉप बाय अ सप्लाई ऑफ 1 क्यूमेक ऑफ वाटर कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द इंटायर बेस पीरियड ऑफ दैट क्रॉप। इसको आपका ड्यूटी कहते हैं। और जो आपका ड्यूटी होती है, ये ड्यूटी ऑफ वाटर चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये प्लेस टू प्लेस जो है जो ड्यूटी ऑफ वाटर होती है चेंज होती रहती है। इट इज़ मैक्सिमम एट फील्ड, ये जो है फील्ड में मैक्सिमम होती है, और मिनिमम एट हेड ऑफ द मेन कैनाल। ड्यूटी इज द एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड बाय द डिस्चार्ज ऑफ 1 क्यूमेक ऑफ वाटर। ये आप एक लाइन में बोल सकते हो कि ड्यूटी इज द एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड बाय द डिस्चार्ज ऑफ 1 क्यूमेक ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इफ क्रेस्ट लेंथ इज इक्वल टू द विड्थ ऑफ द चैनल देन इट इज कॉल्ड। इसका उत्तर आपका हो जाएगा सप्रेस्ड वायर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बिकॉज ऑफ लार्ज स्ट्रीम डिस्चार्ज डैश 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 इरीगेशन इज मोर सुटेबल फॉर परमिएबल सॉइल। इसका उत्तर आपका हो जाएगा चेक फ्लडिंग इरीगेशन। और चेक फ्लडिंग इरीगेशन होती क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज़ द सिमिलर टू फ्री फ्लडिंग इरीगेशन, ये आपकी जो फ्लडिंग इरीगेशन होती है उसी के समान होती है। एक्सेप्ट दैट द वाटर इज कंट्रोल्ड बाई सराउंडिंग ऑफ चेक्स एरिया विथ लो एंड फ्लैट लीव्स। इसमें आपका जो है क्या होता है, ये सेम तो होती है फ्लडिंग की तरह, लेकिन इसमें जो है जो एरिया होता है उसको चेक्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और ये आपका जो मोर परमिएबल सॉइल होती है उनमें ज़्यादा सुटेबल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द मोस्ट सुटेबल लोकेशन ऑफ कैनाल हेड वर्क इज। इसका उत्तर आपका हो जाएगा थ्रॉट स्टेज ऑफ द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द मोस्ट इफेक्टिव फार्मिंग मेथड फॉर रिटर्निंग मिनरल्स टू द सॉइल इज, यानी कि आपका जो मिनरल्स होते हैं जो आपके खनिज होते हैं उनको मिट्टी में पुनः वापस जो है मिलाने के लिए सबसे प्रभावी कृषि पद्धति कौन सी है, तो वो आपकी है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, हम साल भर जो है डिफरेंट क्रॉप को ग्रो करते हैं। जैसे आपने रबी में कोई पल्स क्रॉप ग्रो कर दी, फिर आपने जायद में कोई आपकी जो ग्रेन क्रॉप है वो ग्रो कर दी, सीरियल्स ग्रो कर दिया, और जो आपका नेक्स्ट आया खरीफ उसमें आपने कोई कैश क्रॉप ले ली। तो इस तरह से जब आप रोटेशन करते हो, रोटेशन में एक लेग्यूम क्रॉप को शामिल करते हो, तो आपकी जो मिनरल्स होते हैं वो लेग्यूम क्रॉप की जड़ों में जो है बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम, वो जो है नाइट्रोजन को एकत्रित करता है और जो है न्यूट्रिएंट को बढ़ाता है सॉइल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द फील्ड कैपेसिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स ऑन, मिट्टी की क्षेत्र क्षमता निर्भर करती है, ये आपकी निर्भर करती है किस पे, कैपिलरी टेंशन इन द सॉइल, पोरोसिटी ऑफ सॉइल, इन दोनों पे निर्भर करती है। नेक्स्ट क्या है आपका, द वाटर फेस ऑफ द गाइड बैंक इज प्रोटेक्टेड बाई। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वन मैन स्टोन पिचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द मीजर टू रिमूव वाटर लॉगिंग ऑफ लैंड इज, भूमि के जल भराव को दूर करने का उपाय है। इसका उत्तर आपका हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि आपका टू रिड्यूस परकुलेशन फ्रॉम कैनाल एंड वाटर कोर्सेस। दूसरा क्या है आपका, टू इंक्रीज आउटफ्लो फ्रॉम द ग्राउंड वाटर रिजर्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बोरो पिट्स शुड प्रिफरेबली बी लोकेटेड इन, जो आपके बोरो गड्ढे होते हैं ये कहाँ स्थित होने चाहिए। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सेंट्रल हाफ विड्स ऑफ द सेक्शन ऑफ द कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फॉर अ यूनिक डिज़ाइन ऑफ अ चैनल बाई कैनेडीज थ्योरी। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी इट्स ब्रेथ्स एंड डेप्थ रेशियो मस्ट बी नोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टू होल्ड हाइड्रोलिक जम्प्स बफेल वाल्स आर प्रोवाइडेड इन। हाइड्रोलिक जम्प्स लगाने के लिए बफेल वाल्स प्रदान की जाती हैं, ये आपकी जो है इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लिश टाइप फॉल्स, जो आपकी इंग्लिश टाइप के फॉल्स होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैनाल्स टेकन ऑफ फ्रॉम आइस फेड पेरिनियल रिवर्स आर नोन एज, यानी कि आपका बर्फ से ढकी बारहमासी नदियों से निकली गई नहरों को जाना जाता है, तो इनको आपका जानते हैं पेरिनियल कैनाल्स। नेक्स्ट क्या है आपका, इफ वाटर टेबल इज कंपेरेटिवली हाई द इरीगेशन कैनाल बिकम यूजलेस ड्यू टू। इसका उत्तर आपका हो जाए ऑल ऑफ द अबो, यानी कि आपका अनसर्टेन वाटर डिमांड लार्ज अमाउंट ऑफ सीपेज वाटर लॉगिंग ऑफ द कल्टिवेटेड एरियाज। जो आपकी पेरिनियल कैनाल होती हैं
ये जो है आपकी, इनमें 12 मंथ आपका जो है वाटर रहता है, ये कभी सूखती नहीं है। दोस्तों अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो और आप OPSC असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको एग्रीकल्चर GK प्लेटफॉर्म पे इसका कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। हम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वीडियो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज, ओल्ड पेपर और यूट्यूब क्लासेस, क्लास नोट्स, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एज़ पर सिलेबस। इस कोर्स का प्राइस पड़ेगा आपको केवल 3,000 रुपये। अगर आपको ये कोर्स बाय करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एग्रीकल्चर GK ऐप या हमारी वेबसाइट से इस कोर्स को बाय कर सकते हो। कोर्स में आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, उन क्लासेस को आप देख सकते हैं और इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, या अगर आप किसी और स्टेट के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको उस स्टेट का कोर्स प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द कंजम्पटिव यूज़ ऑफ वाटर फॉर अ क्रॉप। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबो, यानी कि आपका इज मेजर्ड एज द वैल्यूम ऑफ वाटर पर यूनिट एरिया, इज मेजर्ड एज डेप्थ ऑफ वाटर ऑन इरीगेटेड एरिया, मे बी सप्लाइड पार्टी बाई प्रेसिपिटेशन एंड पार्सली बाई इरीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द इंटेंसिटी ऑफ इरीगेशन मीन्स, सिंचाई की तीव्रता का क्या अर्थ होता है, परसेंटेज ऑफ कल्चरेबल कमांडेड एरिया टू बी इरीगेटेड एनुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द सेचुरेशन लाइन इज द लाइन अप टू विच बैंक गेट सेचुरेटेड आफ्टर द कैनाल रन फॉर सम टाइम। द सेचुरेशन ग्रेडियंट ऑफ ऑर्डिनरी लोम सॉइल इज जनरली। इसका उत्तर आपका हो जाएगा 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड टू अलाउ ड्राइनेज वाटर टू फ्लो अंडर प्रेशर थ्रॉट एंड इन्वर्टेड साइफन बिलो अ कैनाल इज कॉल्ड। इसको आपका कहते हैं क्या, साइफन एक्वाडक्ट। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसमें से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हुए थे, तो हमने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे या आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हेन अ कैनाल एंड अ ड्राइनेज अप्रोच ईच अदर एट द सेम लेवल द स्ट्रक्चर सो प्रोवाइडेड इज। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए लेवल क्रॉसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हेन अ कैनाल इज कैरीड ओवर अ नेचुरल ड्राइनेज द स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड इज नोन एज। इसको क्या कहते हैं आपका, इसको कहते हैं एक्वाडक्ट। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के कम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।